नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro वर्सेस Realme U1, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसके फीचर ज्यादा बेस्ट हैं। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहो मेरे साथ में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहते हैं कि भैया Xiaomi Redmi Note 6 Pro है या फिर Realme U1, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है इन दोनों ही स्मार्टफोन में से। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन काफी कमाल की वैल्यू के साथ में आते हैं और काफी पॉपुलर स्मार्टफोन है, चाहे Xiaomi Redmi Note 6 Pro हो या फिर Realme U1 हो। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं जिन पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस फोन का कौन सा फीचर ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे मतलब अगर बात करें ब्रांड वैल्यू की, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि Xiaomi का जो ब्रांड है, मतलब Xiaomi का जो नाम है, वो काफी पॉपुलर है। तो मतलब लोगों का जो ट्रस्ट ज्यादा है वो Xiaomi की तरफ है। लेकिन यहाँ पे Realme ने भी मतलब काफी अच्छे फोन पहले लॉन्च करे हैं, तो यहाँ पे मतलब लोगों की जुबान पे Realme भी काफी पॉपुलर हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों डिजाइन की। अगर हम डिजाइन देखें दोनों ही स्मार्टफोन का, तो इसमें मतलब Xiaomi Redmi Note 6 Pro जो स्मार्टफोन है उसका डिजाइन आपको थोड़ा सा Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरह देखने को मिलता है। मतलब Xiaomi का जो बैक डिजाइन है स्मार्टफोन का, वो स्पेशली मतलब पुराने फोन्स के साथ में मैच करता है, तो इसमें मतलब Xiaomi को थोड़ा सा डिजाइन की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। जबकि यहाँ पे Realme U1 का डिजाइन आपको काफी लेटेस्ट मिलता है, काफी ग्लॉसी डिजाइन के साथ में आता है और फिनिश आपको काफी अच्छी मिलती है। साथ में अगर हम फ्रंट डिजाइन देखें, तो यहाँ पे आपको नॉच मिलती है दोनों ही फोन पे। एक पे आपको वाटर ड्रॉप वाली मिलती है Realme U1 में, जबकि आपको Xiaomi Redmi Note 6 Pro में थोड़ी सी बड़े साइज की नॉच मिलती है। हालांकि डिस्प्ले साइज में भी ज्यादा अंतर नहीं है दोनों ही फोन के, लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो आपको Realme U1 का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों में ही IPS LCD Full HD Plus डिस्प्ले है, जबकि Xiaomi Redmi Note 6 Pro में आपको मिलता है 6.26 इंच का डिस्प्ले और Realme U1 में आपको मिलता है 6.3 इंच का डिस्प्ले। और डिजाइन में भी मतलब आप बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है फ्रंट की तरफ को, खाली नॉच का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हम तो दोनों ही फोन लगभग 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर ब्राइट कलर की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे Xiaomi के डिस्प्ले काफी इंप्रूव हैं, काफी अच्छे हैं। मैंने पर्सनली इसकी अनबॉक्सिंग करी, आप देख सकते हो पुराने वीडियोस में मैंने इसका कंपेयर भी किया है Xiaomi Redmi Note 6 Pro का Nokia 6.21 Plus से Xiaomi Redmi Note 5 Pro से, तो आप देख सकते हो उन वीडियोस में मुझे डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला Xiaomi के फोन के साथ में। अब बात करते हैं दोनों ही फोन के प्रोसेस की। यहाँ पे प्रोसेसर दोनों ही फोन में अलग देखने को मिलता है, जबकि Antutu स्कोर दोनों ही फोन का आपको अलग मिलता है। यहाँ पे Realme U1 थोड़ा सा ऊपर है प्रोसेसिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है MediaTek का Helio P70, जो कि लेटेस्ट चिप है, AI को सपोर्ट करती है और काफी क्विक है, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आती है। जबकि Xiaomi Redmi Note 6 Pro में वही आपको पुरानी वाली Qualcomm Snapdragon 636 चिप का आपको सपोर्ट मिलता है। और मतलब स्पीड के मामले में अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा यहाँ पे Realme U1 थोड़ा सा ऊपर है Xiaomi Redmi Note 6 Pro से। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी मिलती है Xiaomi Redmi Note 6 Pro में आपको 4000 mAh की, जबकि आपको Realme U1 में 3500 mAh की बैटरी मिलती है। और दोनों में ही वही आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलते हैं। तो ऐसे मतलब अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी काफ़ी अच्छी है Xiaomi Redmi Note 6 Pro की। यहाँ पे 500 mAh ज़्यादा है, तो आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे दोनों ही फोन अलग वेरिएंट में आते हैं, जबकि Xiaomi Redmi Note 6 Pro का आपको 4GB 6GB वाला वेरिएंट मिलता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जबकि Realme U1 आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, जो लोअर वेरिएंट है 3GB 32GB के साथ में आता है और प्राइसिंग 11,999 रुपीज़ है। और जो दूसरा वेरिएंट आता है 4GB 64GB के साथ में। यहाँ पे अगर 6GB करते तो मतलब थोड़ा सा एक कमाल की बात हो जाती, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा खासा दिया हुआ है और यहाँ पे जो प्राइस आता है 14,499 रुपीज़। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है ही, मतलब कि Xiaomi Redmi Note 6 Pro के लिए हमको 16,000 के आसपास देने पड़ रहे हैं, जबकि इसके लिए 14,500 रुपये के आसपास देने पड़ रहे हैं, तो लगभग 1,500 रुपये का अंतर है। लेकिन वहाँ पर आपको रैम ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन। अगर आपको 6GB रैम के साथ में जाना है, तो आपके पास में Xiaomi Redmi Note 6 Pro का ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो कि भैया 4GB रैम है, इतनी mAh की बैटरी है और आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है, तो आप Realme U1 को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये बता पाना कि भैया कौन सा फ़ोन बेस्ट है। प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से Realme U1 बेस्ट है, बैटरी देखें और वेरिएंट की बात करें,
या फिर बात करें पॉपुलैरिटी की ब्रांड वाइज, तो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro थोड़ा सा ऊपर है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें। बाकी दोनों में ही आपको ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और प्रोटेक्शन आपको दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे देखने को मिल रही है। Xiaomi Redmi Note 6 Pro में आपको मतलब डिस्प्ले पे जो प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की मिलती है, लेकिन यहाँ पे अनस्पेसिफाइड वर्जन है, मतलब यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। Realme U1 में जबकि आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिलती है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है और फीचर में आपको थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरों को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे काफी कमाल के मिलते हैं, डिटेलिंग काफी अच्छी खासी मिलने वाली है और यहाँ पे 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलता है दोनों ही फोन के कैमरों के साथ में। यहाँ पे 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा है Realme Xiaomi Redmi Note 6 Pro में, जबकि इसके फ्रंट पे आता है यहाँ पे 20+2 मेगापिक्सल, यानी कि 4 कैमरे आपको मिल रहे हैं Xiaomi Redmi Note 6 Pro में, जबकि Realme U1 में आपको केवल 3 ही कैमरे मिलते हैं, 2 बैक पे और 1 फ्रंट पे। और दोनों ही फोन पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं बैक साइड में, जो कि काफी क्विक है दोनों ही फोन के। तो यहाँ पे अगर कैमरे की बात करें तो दोनों की बैक कैमरे काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ Xiaomi Redmi Note 6 Pro की, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छी खासी क्वालिटी मिली बैक कैमरे की मदद से। यहाँ पे हालांकि आपको नंबर थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है नंबर्स में, यहाँ पे 13+2 मेगापिक्सल है Realme U1 में बैक में और फ्रंट पे 25 मेगापिक्सल का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सोनी का सेंसर Realme U1 में आपको मिलता है, काफी कमाल की क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरे की मदद से यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे लो लाइट परफॉर्मेंस भी Xiaomi की काफी अच्छी रहती है। मैं ऑलरेडी Xiaomi का फोन यहाँ पे यूज करता हूँ और मुझे काफी अच्छी क्लैरिटी मिलती है यहाँ पे Xiaomi के फोन्स के साथ में, मतलब कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मतलब कैमरे तो आपको थोड़ा सा 19-20 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन के। यहाँ पे मतलब फ्रंट कैमरा देखें तो थोड़ा सा Realme U1 का अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कैमरे के लिए फोन लेना चाहते हो तो आपके पास में दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro का जो प्राइस है 13,999 और 15,999 6GB 64GB के लिए, और यहाँ पे 4GB 64GB के लिए आपको मिलता है 13,999 रुपीज़। और यहाँ पे अगर बात करें प्रोसेसर के साथ में और सारे फीचर्स के साथ में कंपेयर करें इन प्राइसिंग को, तो यहाँ पे Realme U1 का प्राइस काफ़ी बेस्ट है Xiaomi Redmi Note 6 Pro के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोसेसर अच्छा खासा मिल रहा है, डिज़ाइन बिल्कुल लेटेस्ट मिल रहा है और मतलब सारी चीज़ें आपको ठीक ठाक ही मिल रही हैं फ़ोन पे। यहाँ पे अगर Xiaomi Redmi Note 6 Pro का जो प्राइस था मतलब अगर थोड़ा सा 500,000 रुपये कम होता दोनों ही वेरिएंट का, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी कमाल की टक्कर थी दोनों ही स्मार्टफोन पे प्राइसिंग वाइज भी और स्पेसिफिकेशन वाइज भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा Xiaomi को सोचना चाहिए प्राइसिंग की तरफ भी। हालांकि यहाँ पे काफ़ी बेस्ट प्राइस दिया है Xiaomi ने जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती है कंपनी की। यहाँ पे ना हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया हो कंपैरिजन को लेके, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और आप मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा फ़ोन सबसे बढ़िया लगा इन दोनों ही फ़ोन में से और कौन सा फीचर किस फ़ोन का सबसे बढ़िया लगा। सारी चीज़ें लिख दो नीचे कॉमेंट में और आपका कोई सजेशन ओपिनियन है तो वो भी आप नीचे कॉमेंट में लिख सकते हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।